हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड माय नेम इज विकास हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से हम एंड्रॉइड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जी मेल एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर पे जहां पर आपको होम ऑल कोर्सेज माई कोर्सेज डाउट का सेक्शन मिलेगा हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पी मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसकी पी के साथ ही साथ हम आपको क्विज़ भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पी को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज़ भी अटैम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पर डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जब हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सके एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे नेक्स्ट हम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर sure करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटैम्प्ट कर सकें हम डेली बेसिस पे आपको पी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं नॉट जस्ट दिस अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की अर्निंग हो सके नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कॉन्टेंट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न किस तरीके का सिलेबस आता है किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिल सके इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स गवर्नमेंट स्कीम्स इंटरनेशनल अफेयर्स विजिट्स बैंकिंग एंड फाइनेंस इकोनॉमी से रिलेटेड स्पोर्ट्स डिफेंस कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके सो फ्रेंड्स डू चेक आर एप्लीकेशन इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे मंथली बेसिस पे वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज़ वेल एज़ आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं हेलो एवरीवन तो आज की वीडियो में हम 28 मार्च का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे चलिए स्टार्ट करें सबसे पहले हम बात करते हैं टी आर ने रिलीज की रिकमेंडेशन ऑन द यूसेज ऑफ एम्बेडेड सिम फॉर एम टू एम ये एम्बेडेड सिम क्या हो गया ई सिम राइट इनका यूज बढ़ाने के लिए फॉर एम टू एम मशीन टू मशीन कॉम्युनिकेशन में अंडर टी आर आई एक्ट ऑफ नाइनटीन नाइनटी सेवन राइट right? जो 5G जी सर्विसज प्रोवाइड की गई हैं इंडिया में इससे हम देखेंगे कि बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ निखर के आती हैं सामने फॉर द एम टू एम इको जैसे अगर हम देखें एग्रीकल्चर में ट्रांसपोर्टेशन में हेल्थ केयर में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में एंड सो ऑन करेक्ट इससे हमारा जो के प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो गया एंड आजकल के की जो इंपॉर्टेंस है वो भी बढ़ती जा रही है करेक्ट टू मेक श्योर यू आर द राइट पर्सन क्योंकि फाइनेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया आज के टाइम पर राइट एंड फिर जो ये जो एम टू e एम सेगमेंट है ना इसका यूज भी हम देख रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा भी प्रमोट किया जा रहा है ताकि इससे जो ग्रोथ है हमारे मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन सिस्टम्स में उसमें हमें काफी ज्यादा देखने को मिलेगी अगर मैं टीआर की बात करूं तो चेयरमैन कौन रहेंगे अतुल कुमार लाहौटी हेडक्वार्टर न्यू डेली में आर नाइनटीन में इसको स्टेब्लिश करा गया था पर आते हैं नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू आई एल ओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इनके द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई अबाउट यूथ एम्प्लॉयमेंट यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इन्होंने बोला कि जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में वो बढ़ गया है कितना करेक्ट तो सबसे पहले याद रखेंगे ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की यूथ रिलीज की रिपोर्ट uh, रिलीज़ की गई है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड आई एच डी आई एच डी क्या है इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इनके द्वारा मिलकर रिलीज़ की गई और इन्होंने बताया कि अगर हंड्रेड एम्प्लॉयमेंट है तो हंड्रेड मैसेज एटी थ्री जो है वो यूथ आते हैं तो 83 एम्प्लॉयमेंट हमें यूथ की देखने को मिलती है मतलब 83% यूथ एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलती है करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट तो अगर 100 लोग अनएम्प्लॉयड हैं तो उसमें से 83 लोग यूथ हैं जो कि अनएम्प्लॉयड हैं ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई यह रिपोर्ट रिलीज की गई थी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया वो है वी अनंता नागेश्वर ठीक है इन्होंने बताया कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है राइट right, एंड जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ी है 2000 से लेके 2019 तक बट डिक्लाइन ड्यूरिंग कोविड 19 इन्होंने ये भी बताया कि जो रिपोर्ट प्रोजेक्टेड दैट द यूथ पॉपुलेशन विच अकाउंट्स फॉर 27 परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन इन दो ये घट के छब्बीस रह जाएगी इन दो यहीं पर अगर हम देखें डाटा अबाउट सम की फाइंडिंग्स ये रिपोर्ट बताती है कि जो एजुकेटेड यंगस्टर्स हैं विद सेकेंडरी और हायर एजुकेशन इन द टोटल अनएम्प्लॉयड हैज़ डबल्ड फ्रॉम 35.2 फाइव टू परसेंट टूटी सिक्सटी फाइव परसेंट मतलब लोगों के पास डिग्री है लेकिन फिर भी वो अनएम्प्लॉयड है एज़ पर द रिपोर्ट द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वर्क पॉपुलेशन वर्कर पॉपुलेशन रेशो एंड द अनएम्प्लॉयमेंट रेट कंसिस्टेंटली बिटवीन दो से दो फिर आ जाते हैं अगर एम्प्लॉयमेंट की देखें तो यह बताता है कि जो एम्प्लॉयमेंट है ना वो हमें देखने को मिला कि 2019 के बाद से वो कम हुई है राइट द रिपोर्ट हाईलाइटेड द अनएम्प्लॉयमेंट द इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट आफ्टर 2019 वाज मेनली ड्यू टू सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स मतलब नॉर्मल कंपनियों के द्वारा नहीं गई दी गई है बल्कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्कफोर्स है ना, वो बढ़िया दो हज़ार उन्नीस के बाद ऑल्सो द रिपोर्ट स्टेटेड दैट नियरली एटी टू परसेंट ऑफ द वर्क फोर्स एंगेजेज इन द इनफॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कम्प्राइजेज ऑफ नाइन्टी परसेंट एक डाटा और था कि जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है ना उसमें हमें इंक्रीज देखने को मिला आफ्टर टू थाउजेंड बट दो हजार अट्ठारह के बाद उसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिला वेजेस की बात करें तो वेजेस ऑलमोस्ट सेम रही हैं या डिक्लाइन कर गई हैं जो वेजेस हैं सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स की उसमें नेगेटिव ट्रेंड देखा देखने को मिला 2019 के बाद एंड लार्ज परसेंटेज ऑफ अनस्किल्ड कैजुअल वर्कर्स फेल्ड टू रिसीव द मैंडेटेड मिनिमम वेजेस इन दो मूविंग ऑन नेक्स्ट आ जाता है कि अभी किस बैंक ने इंट्रोड्यूस किया एक डिजिटल ओपनिंग ऑफ यूएस डॉलर फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर एनआरआई कस्टमर्स एट जिफ्ट सिटी जिफ्ट सिटी कहां पर है ये आपकी गांधीनगर में है गांधीनगर गुजरात में ठीक है एंड यहां पे एनआरआई कस्टमर्स के लिए फिक्स डिपॉजिट ओपन करने की बात की जाती है राइट right? कौन सा बैंक प्रोवाइड कर रहा है यह फैसिलिटी एक्सिस बैंक प्रोवाइड कर रहा है सात दिनों से लेके दस साल तक आप यहां पे फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं राइट right? आपका पे पार्शियल क्लोजर भी हो जाएगा फुल मैच्योर भी हो जाएगा तब भी आप निकाल सकते हैं पार्शियल क्लोजर पे भी निकाल सकते हैं एंड ये NRIs के लिए नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए फैसिलिटी है एक्सिस बैंक की बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं वो है अमिताभ चौधरी हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र 1993 में स्टेब्लिश किया गया और टैगलाइन रहेगा इसकी बढ़ती का नाम जिंदगी नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी साइन किया पैक्ड विद जैपनीज एजेंसी फॉर टू हंड्रेड मिलियन डॉलर लोन तो एन टी पी सी ने अभी जे बी आई सी के साथ जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन इन दोनों के द्वारा भी एक टाइप हुआ जहां पर हम देखेंगे दो मिलियन डॉलर का लोन प्रोवाइड कराएगा एंड दो सौ मिलियन डॉलर अगर देखें तो वन करोड़ के करीब हो जाते हैं इसमें से जो सिक्स है वो तो प्रोवाइड कराएगा जेबीआईसी और जो रेस्ट फोर्टी परसेंट है वो भी जेबीआईसी के एसोसिएटेड जो लैंडिंग आर्म्स होते हैं उनके द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा विद द बैंक गारंटी बाय पी एनटीपीसी लिमिटेड की बात करें तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे गुरदीप सिंह हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में 1975 में इसको करा गया नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते हैं इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इंडस्ट्री का पहला डाउन पेमेंट ई एम आई सोल्यूशन फॉर ऑनलाइन रिटेल करेक्ट ये ऑनलाइन रिटेल के लिए यहां पे डाउन पेमेंट ई एम आई का ऑप्शन प्रोवाइड किया है एंड दिस विल रेप्लीकेट द फ्लेक्सिबिलिटी एंड कन्वीनियंस ऑफ डाउन पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल इन ऑफलाइन ई एम आई जो आपका ऑफलाइन रिटेल स्टोर में आप जैसे पे करते हैं राइट right? सिमिलरली ऑनलाइन रिटेल स्टोर में भी आपको ई का ऑप्शन मिल जाएगा जैसे आप ऑनलाइन ई बनवाते हैं अपनी सिमिलर टाइप करेक्ट नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है स्टार हाउसिंग फाइनेंस इन्होंने कोल्ड लैंडिंग पार्टनरशिप साइन की टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस के साथ एंड किस लिए टू प्रोवाइड लोन्स टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस एंड लो इनकम ग्रुप्स एट मोर अफोर्डेबल रेट्स आई रिपीट स्टार हाउसिंग फाइनेंस ने अभी एक कोल्ड लैंडिंग पार्टनरशिप की टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस के साथ टू प्रोवाइड लोन्स टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस एंड लो इनकम ग्रुप्स एट लो एट मोर अफोर्डेबल रेट्स फिर आ जाते हैं नेक्स्ट आर बी आई आर बी आई ने रिलीज किया प्रिलिमिनरी डाटा ऑन इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉर थर्ड क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर ट्वेंटी फोर एंड यहाँ पे जो करंट अकाउंट डेफिसिट हमें देखने को मिलता है फॉर द थर्ड क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर ट्वेंटी फोर वो था टेन पॉइंट फाइव बिलियन डॉलर का दैट इज वन पॉइंट टू परसेंट ऑफ द जी डी पी ठीक है दैट इज वन पॉइंट टू परसेंट ऑफ द जी डी पी यहीं पर अगर हम देखें जो हमारा सर्विसेज एक्सपोर्ट है उसमें हमें फाइव पॉइंट टू परसेंट का ईयर ऑन ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला फिर इसी के अलावा अगर मैं एफ की बात करूँ फ़ॉन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हमें यहाँ पे नेट फ्लो ऑफ फोर बिलियन डॉलर देखने को मिला इन थर्ड क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर ट्वेंटी फोर की बात चल रही है यहाँ पे देन अगर मैं बात करूँ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की तो यहाँ पे नेट इनफ्लोज देखने को मिले बारह बिलियन डॉलर के करेक्ट तो ये डाटा आपको कुछ आइडिया होना चाहिए नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रांड फाइनेंस ब्रांड फाइनेंस के द्वारा भी एक इंश्योरेंस हंड्रेड रिपोर्ट रिलीज की गई 2024 की जिसमें बताया गया कि वर्ल्ड की जो स्ट्रांगेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड है वो कौन सा है तो वर्ल्ड का स्ट्रांगेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड आ जाता है एल जो कि इंडिया का लेट मी शो यू है राइट एल आई सी टॉप पर विद अ ब्रांड वैल्यू यू इन मिलियंस एटी एट पॉइंट थ्री देन कैथी लाइफ इंश्योरेंस सेकेंड पोजिशन पे एटी सेवन पॉइंट सेवन थर्ड पे एनआरएम इंश्योरेंस फोर्थ पे पीजेड यू ग्रुप एंड फिफ्थ पे चाइना लाइफ करेक्ट और यहां ये इंश्योरेंस हंड्रेड रिपोर्ट थी ब्रांड फाइनेंस के द्वारा रिलीज की गई इसी में अगर हम देखें तो ब्रांड फाइनेंस के जो चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेंगे वो कौन है वो है डेविड हेग हेडक्वार्टर लंदन यूके 1996 में इसको करा गया नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट हम देख रहे हैं कुछ अपॉइंटमेंट तो यहाँ पे आपको ज्यादा अच्छे से देखेंगे सदनंदा वसन डेट राइट ये डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पीयूष आनंद इनको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स राजीव कुमार इनको डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के राइट टेकअन नोट ये तीन इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं पता होनी चाहिए नेक्स्ट पर आते हैं फिर कुछ अप्रूवल्स पर तो सीसीडिंग ने अप्रूव किया हंड्रेड परसेंट सीसीपीएसबी ऑफ लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड बाय अडानी पावर लिमिटेड तो टारगेट कौन है जो एक्वायर हो रहा है वो कौन है लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड एक्वायरर कौन है जो एक्वायर कर रहा है वो कौन है अडानी पावर लिमिटेड नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा सक्षम एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है ये सक्षम एप्लीकेशन क्या है बेसिकली ये एप्लीकेशन आपका बोथ एंड्रॉयड एज वेल एज आई के लिए अवेलेबल रहेगा ये जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं राइट उनको ईजियर बनाने के लिए ताकि वो वोटिंग कर सकें राइट उनके लिए वोटिंग को ईजियर बनाने के लिए ये सक्षम एप्लीकेशन लॉन्च की गई है इसी के साथ साथ याद रखेंगे जो भी व्यक्ति एटी फाइव ऑफ एज से अबव है एंड जिनकी सिक्सटी परसेंट है करेक्ट या मोर डिसेबिलिटी है तो उनको वोट फ्रॉम होम का भी ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा इस सक्षम एप्लीकेशन पे आपका टेक्स्ट टू स्पीच होगा इसी सक्षम एप्लीकेशन पे आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी वॉइस असिस्टेंट भी है ताकि आपको घर से ही आपकी के होकर आप घर से ही आपका वोटिंग कर सकें एंड सक्षम एप्लीकेशन है कि जो टेक्स्ट जो आपके पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए वोटिंग को ईजी बनाना

ओरल सस्पेंशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिकल डिजीज इन अ कॉस्ट इफेक्टिव वे ये जो प्रोडक्ट है इसको अभी डीजीसीआई से अप्रूवल मिले आफ्टर रिग्रेस रिव्यू एंड बायो इक्यूलेंस स्टडीज के बाद राइट right, तो अक्यूम्स ड्रग एंड फार्माक्यूटिकल्स लिमिटेड ये वो पहला कंपनी बन गई है इंडिया की जिन्होंने पहला इंडिजीनियसली हाइड्रोय हाइड्रो ऑक्सीयूरिया ओरल सस्पेंशन को डेवलप किया फॉर सिकल डिजीज नेक्स्ट आ जाते हैं हम बात कर रहे हैं एफ वन ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड की राइट टॉप पे कौन रहा वो है फरारी के विनर फरारी ड्राइवर कार्लोसेंस जूनियर ये स्पेन से बिलोंग करते हैं एंड इन्होंने यहां पे टॉप किया सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं चार्ल्स लेस्लर ये भी आपके फरारी के लिए ड्राइव करते हैं ये सेकंड पोजीशन पे रहे और थर्ड पोजीशन पे आ जाते हैं आपके लैंडो नॉरिस लैंडो नॉरिस और लैंडो नॉरिस ये मैकलैरन के लिए ड्राइव करते हैं ठीक है तो टॉप किसने किया है जीते कौन वो है कार्लोस सेंस जूनियर नेक्स्ट पे आ जाते हैं एंड ऑथर्स तो अभी एक बुक ऑथर की गई जिसका नाम है अ कंपेडियम ऑन नॉन नेटिव ऑर्गेनिजम्स ऑफ इंडिया आई रिपीट अ कंपेडियम ऑन नॉन नेटिव ऑर्गेनिजम्स ऑफ इंडिया यह बुक रिलीज की गई मिनिस्टर जे चिंचुरानी जो कि एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ केरला इस बुक को कहाँ लॉन्च किया गया एट एन इवेंट एट टी के माधव मेमोरियल कॉलेज जो कि केरला में है इस बुक को ऑथर किया गया के वी जया चंद्रन जी के द्वारा जो कि ऑनरे प्रोफेसर हैं ऑफ एक्वाटिक बायोलॉजी एंड फिशरीज डिपार्टमेंट एट द केरला यूनिवर्सिटी एंड इन्हीं के साथ साथ शीला एस जैसमिन आनंद एंड विनोद हरिदास इन्होंने भी मिलकर इस बुक में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया को ऑथर किया ठीक है नेक्स्ट अर्थ आर पे आ जाते हैं अर्थ आर वो होता है कि जब हम एक घंटे के लिए वन आर के लिए लाइट्स को ऑफ कर देते हैं जनरली साढ़े आठ से लेके साढ़े नौ तक इसको किया जाता है राइट right? ग्लोबली किया जाता है ताकि अर्थ को अपना एक डेडिकेशन देने के लिए कि अर्थ को भी हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं राइट एंड एकदम बिल्कुल हर जगह यहाँ पे लाइट बंद की जाती है इसको सेलिब्रेट करने के लिए डे ऑब्जर्व जनरली किया जाता है लास्ट सैटरडे ऑफ द मार्च मंथ इस साल 2024 में ये 23 मार्च को था राइट और करेक्ट और इस बार की आप थीम कह सकते हैं गिव एन आर टू अर्थ आपकी थीम रहेगी जनरली लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च मंथ को ऑब्जर्व किया जाता है अर्थ आर इस बार तेईस मार्च को था नेक्स्ट नेक्स्ट इज वर्ल्ड थिएटर डे 27 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड थिएटर डे मार्क करके चलेंगे एंड जो भी फॉर्म है अक्रॉस द वर्ल्ड थिएटर की उसको हाईलाइट करने के लिए एंड उसके बारे में उस आर्ट फॉर्म के बारे में बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड थिएटर डे ऑब्जर्व किया जाता है एंड वर्ल्ड थिएटर डे ऑब्जर्व ऑन ट्वेंटी सेवंथ ऑफ मार्च मार्क्स सिक्सटी सेकंड एनिवर्सरी टू द ऑब्जर्वेंस राइट ये सिक्सटी सेकंड ऑब्जर्वेंस था इसका ने, तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे आज के करंट अफेयर्स अब आ जाते हैं कोई वन लाइनर रिविजन पे टी ने रिलीज की रिकमेंडेशन ऑन यूसेज ऑफ एम्बेडेड सिम फॉर मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूथ एम्प्लॉयमेंट अन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट रिलीज की गई इन इंडिया दैट अगर 100 लोग अनएम्प्लॉयड है उसमें से 83 यूथ है देन एक्सिस बैंक ने इंट्रोड्यूस किया डिजिटल ओपनिंग ऑफ यूएस डॉलर एफडी फॉर एनआरआई कस्टमर्स एट जिफ्ट सिटी एनटीपीसी ने साइन किया पैक्ट विद जैपनीज एजेंसी फॉर टू मिलियन डॉलर लोन पेयू ने इंट्रोड्यूस किया इंडस्ट्री का पहला डाउन पेमेंट ई एमआई फॉर ऑनलाइन रिटेल स्टार हाउसिंग फाइनेंस ने एक साइन किया को लैंडिंग पार्टरशिप विद टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस सी करंट अकाउंट डेफिसिट नरो जी डी पी एट टेन पॉइंट फाइव बिलियन डॉलर इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ फिसल ईयर ट्वेंटी एज पर आरबीआई डाटा दैन ब्रैंड फाइनेंस ने एक इंश्योरेंस रिपोर्ट इश्योरेंस हंड्रेड जिसमें बताया इंडिया की करके आती है एज द वर्ल्ड की स्ट्रॉगेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड सी ने अपॉइंट किया एक्सपर्ट कमिटी फॉर द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड शन एसी ने अपॉइंट किया सदन सदनानंद वसंत डेट को एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए राजीव कुमार को डायरेक्टर जनरल ऑफ बी एंड पीयूष आनंद को डायरेक्टर जनरल ऑफ एनडीआरएफ सीसीआई अप्रूवल्स फिर हमने देखे इलेक्शन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया सक्षम एप्लीकेशन टू तो फैसिलिटेट ईजर वोटिंग ईजियर वोटिंग फॉर persons विद disabilities। अकोम्स डेवलप्ड इंडिया का पहला इंडीजीनियस हाइड्रोक्सी यूरिया ओरल सस्पेंशन फॉर सिकिल डिजीज फरारी के कार्लो सेंस जूनियर विनर रहे एफ वन ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पिक्स केरला हस्बेंड्री मिनिस्टर ने रिलीज की एक बुक जो कि है अ कम्पेडियम ऑन नॉन नेटिव ऑर्गेनिज्म इन इंडिया अर्थार लास्ट सैटरडे को ऑब्जर्व किया जाता है मार्च मंथ के जो कि तेईस मार्च को था वर्ल्ड थिएटर डे सत्ताईस मार्च को

जो किडनी के लिए हमारी डिजीज होती है राइट right? उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए अपनी किडनी की जो डिजीज है उनका इंपैक्ट रिड्यूस कराने के लिए करेक्ट किडनी हमारी सेफ रहे इसलिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है किडनी स्पेशलिस्ट कौन होते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट राइट नेक्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स 14 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं एंड इसी को हम पाई डे के नाम से भी कह सकते हैं क्यों क्योंकि मार्च का कौन सा महीना होता है तीसरा महीना 14 डेट हो गई तो 3.14 हमारा क्या होता है ये पाई की वैल्यू होती है जिसको 22 टू बाई सेवन भी डिनोट करते हैं लेकिन तो इस हिसाब से देखें तो थर्ड मार्च और सॉरी तीसरा महीना मार्च एंड फोर्टीन डेट करेक्ट एंड इट इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन एड्रेसिंग द चैलेंजेस इन एरिया सच एज ए आई क्लाइमेट चेंज एनर्जी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेक्ट और थीम क्या रहेगी इंटरनेशनल डे ऑफ मैथेमेटिक्स की प्लेइंग विद मैथ आने ये फिफ्थ एडिशन था इंटरनेशनल डे ऑफ मैथेमेटिक्स का नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स चौदह मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स एंड इट इज टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस एंड रिवर्स एंड देयर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन चौदह मार्च को हम याद रखेंगे सत्ताईसवीं एनर्ज दो हजार चौबीस में सत्ताईसवीं एनिवर्सरी थी ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स एंड थीम क्या रहेगी वाटर फॉर ऑल ये थीम रहेगी इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स की नेक्स्ट फिर स्टेट न्यूज पर आते हैं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने अभी एक हाउसिंग स्कीम निकाली है कि जो भी होमलेस uh, पीपल है उनको यहाँ पे हाउस प्रोवाइड कराने की बात की गई ते तेलंगाना में एंड दैट टू एंड भदराचलम भदरारी कोठुगम डिस्ट्रिक्ट इन तीन डिस्ट्रिक्ट में ऑफ तेलंगाना के यहाँ पे हाउसिंग स्कीम लॉन्च की है कि होमलेस पीपल को हाउस प्रोवाइड किया जाए और ये स्कीम क्या है इंद्रम्मा इंदलू इंद्रम्मा इंदलू यह हाउसिंग स्कीम लॉन्च किया है अनुलुमा रेवंत रेड्डी जी के द्वारा जो कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के के इस स्कीम अंडर याद रखेंगे 4.5 लाख लोगों को हाउसेस प्रोवाइड कराने की बात की गई 22,500 करोड़ रुपए सौ पे खर्च करने की बात की गई एंड पैंतीस हाउसेस कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे इन ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन्होंने पार्टनर किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताकि जो व्यूमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में है उनको एम्पावर किया जा सके उनको स्किल्स प्रोवाइड की जा सके उनको एंट्रप्रिनरशिप की नॉलेज दी जा सके एंड लखपति दीदी योजना के अंदर यहाँ पे उनको ग्रो करने की बात की गई अब लखपति दीदी योजना क्या है जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है एक लाख रुपये सालाना एनुअल इनकम यहाँ पे विमेन्स जनरेट कर सकें इसके लिए उनको यहाँ पे स्किल्स प्रोवाइड की जाएगी एंड यही है जहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने टाया किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ इज माई ट्रिप इज माई ट्रिप ये क्या है न्यू डेली बेस्ड एक कंपनी है करेक्ट ट्रेवल से रिलेटेड रहती है राइट right? एंड यहीं पर ये इज माई ट्रिप इस एमओ के अंडर इस पार्टनरशिप के अंडर काफी बड़े एरिया में से जैसे फॉर एग्जांपल 800 ब्लॉक्स में से एक विमेन को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा जो कि है जिनको बोला जाएगा टिकट वाली दीदी राइट एंड नॉट जस्ट वन वीमैन बट आप इसको ये समझिए कि यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी इन वीमेन्स को अंडर द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जहाँ पर ये टिकट बुकिंग के ऊपर जैसे टिकट बुकिंग में फ्लाइट बुकिंग ट्रेन बुकिंग बस बुकिंग होटल बुकिंग राइट right? ऑनलाइन सर्च करना वहाँ पर इन सब के बारे में अवेयरनेस इन इन सब के बारे में उनको नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी राइट right? एंड जैसा मैंने बताया वीमेंस को दी जाएगी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के वीमेंस को दी जाएगी एंड यहाँ पर जो एलिजिबल कैंडिडेट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे उनको हिंदी और इंग्लिश की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए बेसिक कंप्यूटर की ब्राउजिंग की इंटरनेट की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए राइट एंड जो पायलट प्रोजेक्ट पे ये लॉन्च किया जाएगा दस ब्लॉक्स में जैसे पटना बिहार में वडोदरा गुजरात में राजकोट गुजरात में सूरत में भोपाल में उज्जैन में अयोध्या में वाराणसी में करेक्ट एंड पे पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पे लॉन्च करने के बाद अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो ऑल ओवर इंडिया इसको लॉन्च किया जाएगा मूविंग ऑन मिनिस्ट्री हैज़ नेशनल करिकुलम फॉर ई सी फ्रॉम बर्थ टू थ्री ईयर्स तो ई सी क्या है ईसीसी है आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन देखो इसको ऐसे समझो कि दो स्टेज होती हैं एक जीरो से तीन एक फिर तीन से छ राइट right? तो ये दोनों स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए राइट कॉग्निशन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है बच्चों को कैसे हम सिखा रहे हैं क्या एक्सपीरियंस दे रहे हैं क्या मुझसे प्यार से बात कर रहे हैं या फिर उस पर गुस्सा कर रहे हैं राइट right? क्या स्टिमुलेशन हम दे रहे हैं क्या गेम्स हम उनके साथ खेल रहे हैं क्या पॉजिटिव गाइडेंस उनको मिल रही है तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करती हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए आंगनबाड़ीज़ को क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए क्या स्टिमुलस बच्चों को देना चाहिए उसका एक प्रॉपर करिकुलम यहाँ पे सेटअप किया गया पूछा जा रहा है कि ये जो करिकुलम है किस मिनिस्ट्री के द्वारा सेटअप किया गया फॉर बोथ जीरो टू थ्री एंड थ्री टू सिक्स इयर्स ऑफ बच्चों के लिए वो है मिनिस्ट्री ऑफ वीमन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के द्वारा ये फ्रेमवर्क नेशनल करिकुलम एंड नेशनल फ्रेमवर्क यहां पे डेवलप किया गया ताकि बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस मिल सके प्रॉपर उनको जो बच्चों का एक डेवलपमेंट है राइट उनको एक प्रॉपर तरीके से वो डेवलपमेंट और नर्चरिंग मिल सके मूविंग ऑन सिडबी सिडबी ने सिक्योर किया पहला ग्रीन क्लाइमेट फंड प्रोजेक्ट वर्थ हाउ मच तो सिडबी ने पहला ग्रीन क्लाइमेट फंड प्रोजेक्ट लॉन्च किया वर्थ 120 मिलियन डॉलर ये जो प्रोजेक्ट फंड रहेगा ये क्या है आवाना सस्टेनेबिलिटी फंड आवाना सस्टेनेबिलिटी फंड ये 120 मिलियन डॉलर का फंड रहेगा एंड जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है ग्रीन क्लाइमेट फंड जो अमाउंट यहाँ से गैदर किया जाएगा वो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर यूज़ किया जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉलो करने के लिए यूज किया जाएगा जो प्रोजेक्ट्स आपके ग्रीन एनर्जी पे वर्क करते हैं उसको यूज़ किया जाएगा जो अर्ली एम हैं जो छोटे एम हैं उनको ट्रांजेशन कराने की बात की जाएगी कि आप रिन्यूबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज़ कीजिए इन्वायरमेंट को क्लीन रखिए पॉल्यूशन क्रिएट मत कीजिए उसके ऊपर ये पैसा यहां पर लगाया जाएगा सिडबी की अगर मैं बात करूं राइट सिडबी के कौन रहेंगे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर वो हैं सुब्रमण्यम रमन हेडक्वार्टर लखनऊ 1990 में इसको स्टेब्लिश करा गया था करेक्ट और ये सिडबी के द्वारा अप्रूव किया गया है सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वेयर वॉज द इवेंट फॉर द वर्ल्ड बिगेस्ट टेक्सटाइल इवेंट हेल्थ तो वर्ल्ड का बिगेस्ट टेक्सटाइल इवेंट का नाम क्या था और हम ये कई बार डिस्कस कर चुके हैं भारत टैक्स भारत टैक्स क्या है इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर को यहाँ पे ग्रो करने के लिए हम नई नई टेक्नोलॉजीज को लाए हम नए नए जो टेक है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उनको इनकॉर्पोरेट कर सकें नई नई हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर सके नई नई इंडस्ट्रीज आ सके ताकि टेक्सटाइल सेक्टर ग्रो कर सके और इंडिया में तो हम जानते ही हैं मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है एंड जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होगी इंडिया में तो हम अपने देश की ही डिमांड को पूरा नहीं कर सकेंगे बल्कि बाहर के देशों के जो फॉरिन कंट्रीज हैं वहाँ पर भी हम कर सकेंगे मतलब हम एक्सपोर्ट भी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सामान कर पाएंगे और इंडिया के पास कैपेबिलिटी है कि

भूमि कहां पर है भारत मनपंप प्रगति मैदान न्यू दिल्ली नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में रहेगा प्रोजेक्ट डायरेक्टर यहाँ पे डायरेक्टर जनरल कौन रहेंगे अजय माथुर 2015 में यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था ये इनिशिएटिव था इंडिया एंड फ्रांस का इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस का बेसिक एम क्या है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको सोलर एनर्जी प्रोवाइड कराना वहां पर सोलर पैनल लगा के एनर्जी प्रोवाइड कराना क्योंकि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वहां पर नहीं है तो कैसे ना कैसे एनर्जी पहुंचाने का तरीका क्या है क्योंकि हमारे पास सोलर एनर्जी अम्बंडस में है तो उन एरियाज में सोलर एनर्जी पहुंचाई जा सके तो पनामा वो नाइन्टी कंट्री बनी जिन्होंने अप्लाई किया रेटिफाई किया इंटरनेशनल सोलर अलायंस को माल्टा हंड्रेड कंट्री बन गई थी जिन्होंने ज्वाइन किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस को नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक इन्होंने लॉन्च किया एक नई स्कीम नई लोन स्कीम विकास सपूर्ति विकास सपूर्ति ये एक क्या है नई स्कीम है जो कि कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा लॉन्च की गई थी ये स्कीम क्या है बेसिकली जो पीपल हैं जो आपके रूरल एरियाज में है बेसिकली कॉमन मैन को इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज सिखाने के लिए कि कैसे आप अपना बेशक छोटा बिजनेस स्मॉल स्टार्ट कर सकते हैं उनको ये बिजनेस का तरीका सिखाने के लिए उनको एक मिनिमम से मिनिमम पचास हज़ार से लेके दो लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड कराने के लिए कि ताकि इसके बेसिस पे वो अपना आगे बिजनेस स्टार्ट कर सकें इसीलिए ये लॉन्च किया गया और इसी के अंदर एक पिगमी अकाउंट भी लॉन्च किया जाएगा ये पिगमी अकाउंट क्या है बेसिकली यहाँ पे डेली डिपॉजिट होगा कि क्योंकि लोन भी लिया है वो लोन भी चुकाना है तो वो लोन कैसे चुकाए जाएंगे अगर उसका वेट करके चुकाएंगे तो काफी बड़ा अमाउंट हो जाएगा लोन का लाइक ओवर होता रहेगा लेकिन ये पिगमी अकाउंट क्या करेगा डेली डिपॉजिट होंगे यहाँ पे कि डेली आपका थोड़ा अमाउंट कटता रहेगा अमाउंट से जो डेली डेली आपको थोड़ा थोड़ा पैसा जो आप

ना भी क्या है आपका नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट मोहाली पंजाब में है यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा नेशनल स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी लॉन्च की गई आन ये लॉन्च की गई है ताकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम है कि फार्मर्स की जो इनकम है उसको डबल करना है उसके लिए लॉन्च किया गया यह आपकी जो स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी है यहाँ पर हम देखेंगे कि फार्मर्स की जो ग्रोथ है उसमें क्वालिटी तो बढ़ क्वान्टिटी तो बढ़ी रही है बल्कि साथ साथ क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है एंड जो ये स्पीड फैसिलिटी है इसमें हम देखेंगे आपके फूड सचेज़ वीट राइस सोयाबीन पी टोमेटो इसको ग्रो करने में कंट्रोल इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एंड इसी के साथ साथ जो ये स्पीड सीड फैसिलिटी हैं ये हम देखें स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी हैं ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेंगी इन द स्टेट सचेज़ पंजाब हिमाचल प्रदेश हरियाणा एंड जम्मू एंड कश्मीर में ठीक है तो जितेंद्र सिंह के द्वारा ये नेशनल स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी लॉन्च की गई मोहाली पंजाब में कहां पर नाबी में और नाबी क्या है नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल वीमेंस डे ऑब्जर्व करते हैं हम आठ मार्च को आन इट इज टू सेलिब्रेट द सोशल इकोनॉमिक कल्चरल एंड पॉलिटिकल अचीवमेंट्स ऑफ वुमेन इसका एम रहेगा कि वीमेन इक्वालिटी पे बात की जाए वीमेन्स को इक्वल राइट्स दिए जाएं राइट आन इंटरनेशनल वीमेंस डे की अगर हम बात करें कब ऑब्जर्व किया जाता है आठ मार्च को इसकी एक थीम रहेगी इंटरनेशनल वीमेंस डे की जो कि है इन्वेस्ट इन वीमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस राइट आई रिपीट इन्वेस्ट इन वीमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस ये आपकी थीम रहेगी इंटरनेशनल वीमेन्स डे की नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट न्यूज के ऊपर तो यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने अभी माय युवा इस प्रोग्राम को लॉन्च किया माय युवा क्या है मुख्यमंत्री युवा उद्यामी विकास अभियान इसके अंडर जो यंग इंडिविजुअल्स हैं राइट right? यंग एंट्रप्रनोर हैं उनको ग्रो करने में हेल्प किया जाएगा पाँच लाख रुपए तक का यहाँ पे उनको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा ताकि वो अपने बिजनेसिस को ग्रो कर सके एम को ग्रो कर सके अपना खुद का यहाँ पे वो बिजनेस सेटअप कर सके एंड जो यूथ हैं जो स्किल्ड यूथ्स हैं उनको यहाँ पे ताकि उनको जॉब्स के लिए कहीं बाहर ना जाना पड़े कहीं ढूंढना ना पड़े एंड वो अपनी जॉब्स खुद ही बना सके ये यहाँ पर मेन एम रहेगा माई युवा इस स्कीम का जो कि है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन केम टुगेदर एंड प्लेट 600 मिलियन डॉलर टू कॉम्बैक्ट सर्विकल कैंसर सर्विकल कैंसर को खिलाफ जंग छेड़ने के लिए वर्ल्ड बैंक बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एंड यूनिसेफ ये तीनों ने प्लेज किया कि हम 600 मिलियन डॉलर यहाँ पे देंगे टू फाइट सर्विकल कैंसर अगर बात करें वर्ल्ड बैंक की यह आने तीन साल में आने वाले तीन साल में 400 मिलियन देंगे बिल एंड मेलिंडा गेट्स ने बोला हम 180 मिलियन डॉलर देंगे एंड यूनिसेफ दस से बीस मिलियन डॉलर यहां तक प्लेज करेगा नेक्स्ट विच मूवी वन सेवन अवार्ड एट नाइनटी सिक्स अकेडमी अवार्ड तो ये रहेगी ओपन हाइमर राइट एंड एंड आई हैव बिकम द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड ये क्या थी काफी फेमस लाइन थी ओपन हाइमर की ये मूवी किस पर बेस्ड है जो आपका न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया गया था उसके ऊपर बेस्ड है राइट right? ये जो नाइनटी सिक्स अकेडमी अवार्ड थे ये कहा हुए थे लॉस एंजलिस में हुए थे कैलिफोर्निया में यूएसए में एंड ओपन आइमर का याद रखेंगे डायरेक्टर कौन रहेंगे क्रिस्टोफर नॉलन बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था यहाँ पे सिलियन मर्फी को इसके लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का मिला था रॉबर्ट डाउनी जूनियर के लिए राइट right? एंड ये थ्री अवार्ड्स हैं ऑफ टोटल सेवन अवार्ड जो ओपन आइमर ने बैक किए नेक्स्ट पे आते हैं आरबीआई ने साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किस कंट्री के किस कंट्री के बैंक के साथ टू प्रमोट यूज ऑफ लोकल करेंसीज़ फॉर बायोलिटरल ट्रांजेक्शन तो ये है बैंक ऑफ इंडोनेशिया इंडियन रुपी एंड इंडोनेशियन रुपया इन दोनों के बीच में यहाँ पर ट्रांजेक्शन हो सके ट्रांजेक्शन ईजीली हो सके इससे क्या होगा ट्रेड फ्लरिश होगा जो ट्रांजेक्शन होंगी एक दूसरी कंट्रीज़ के बिजनेसमैन के बीच में वो इजीली हो सकेंगी राइट फास्ट हो सकेंगी उसकी जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो कम होगा सेटलमेंट टाइम वो कम होगा राइट एंड एक दूसरी कंट्री के बीच में जो रिलेशन है फाइनेंशियल डिसीजन की वजह से जो फाइनेंशियल रिलेशन होंगे हिस्टोरिकल ट्रेड रिलेशन होंगे उसमें काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है जकार्ता तो आरबीआई इन्होंने एक एमओयू साइन किया किसके साथ बैंक ऑफ इंडोनेशिया के साथ ताकि जो इंडियन रुपीज एंड इंडोनेशियन रुपया इन दोनों के बीच में जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन है उसको बढ़ावा दिया जा सके किस ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर किया टू ऑफर डिजिटल सर्विसेज अक्रॉस रूरल एरियाज तो ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन यूएसओएफ प्रसार भारती एंड ओ एन डी सी इन तीनों के द्वारा यहाँ पे पार्टनर किया गया ताकि जो रूरल एरियाज़ हैं अभी भी इंडिया में काफ़ी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर हम डिजिटल सर्विसेज़ प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँच पाई हैं एंड वहाँ तक लोगों को जागरूक कराने के लिए जैसे प्रसार भारती क्या है कि आप रेडियो के माध्यम से आप यहाँ पर उन लोगों तक उन सर्विसेज को उन डिजिटल सर्विसेज को पहुँचा सकते हैं उनको बारे में लोगों को अवेयर करा सकते हैं एंड फिर लोग उन फैसिलिटीज़ का उन सर्विसेज़ का बेनिफिट ले सकते हैं तो इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर किया डिजिटल सर्विसेज को रूरल एरियाज तक पहुंचाने का काम करने के लिए प्रसार भारती की अगर मैं बात करूं चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे गौरव द्विवेदी एंड न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर रहेगा ठीक है नेक्स्ट यूएसओ एफ क्या है आपका यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड प्रसार भारती एंड ओ एन डी सी क्या है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स किस बैंक ने पार्टनर किया 197 कम्युनिकेशन के साथ फॉर यूपीआई ट्रांजैक्शन तो ये चौथा बैंक बनाया जिन्होंने अभी 197 कम्युनिकेशन जो कि पेरेंट कंपनी है पेटीएम की इनके साथ टाइप किया ताकि और ये एक्ट करेंगे एज टी ए टीपीएपी टीपीएपी क्या होता है थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर की तरह काम करेंगे तो ये एस बैंक इससे पहले था एच बैंक यस बैंक एंड एक्सिस बैंक और अब बन गया है एस बी आई तो ये चार बैंक हैं ये आपके पार्टनर इन्होंने पार्टनर किया है एस बी आई के साथ ताकि यू पी आई का ट्रांजेक्शन जो है होल्ड पे ना हो और वो कंटिन्यू हो सके नेक्स्ट आ जाते हैं फेयरफेक्स इंडिया ने प्रोवाइड किया लिक्विडिटी सपोर्ट ऑफ हाउ मच अमाउंट टू आई फाइनेंस तो फेयरफेक्स इंडिया सबसे पहले याद रखेंगे ये पंद्रह परसेंट होल्ड करते हैं आई फाइनेंस में एंड अभी रिसेंटली फेयरफेक्स इंडिया ने दो सौ मिलियन डॉलर का यहाँ पे फाइनेंस प्रोवाइड कराया लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड कराया टू आई फाइनेंस क्यों क्योंकि अभी आर ने इनको बोला कि ये कोई भी यहाँ पर जो गोल्ड लोन है वो नहीं दे पाएंगे कोई भी नया गोल्ड लोन सैंक्शन नहीं कर पाएंगे ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने किसके साथ किस आईआईटी के साथ पार्टनर किया फॉर यूजिंग जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी टू मॉनिटर मनरेगा एसेट प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो इन दोनों के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी को यूज़ करके मनरेगा एसेट्स को मॉनिटर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने किस आई के साथ पार्टनर किया तो वो है आई आई राइट जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी और एआई से क्या होगा कि जो मनरेगा वर्कर्स हैं उन पे चेक रखा जा सकेगा कितना काम हो गया है कितना काम बाकी है कितना टाइम और लगेगा क्योंकि उस हिसाब से फिर मनरेगा के अंडर फिक्स अमाउंट ऑफ डेज़ के लिए हमें वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट देनी होती है तो उसका ध्यान रखना है सारा तो ए और जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी से हम काफ़ी ज़्यादा इनको बेनिफिट मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को राइट एंड प्रॉपर चेक रख सकेंगे कि, कि कितना काम हो गया है कितना काम बाकी है कहाँ पर क्या काम हो सकता है राइट तो टेक अ नोट ऑफ दिस इंपॉर्टेंट रहेगा ठीक okay, फिर इसी के साथ साथ एक याद रखेंगे डेविन ये एक नया एआई सॉफ्टवेयर डेवलपर अभी लॉन्च किया गया है राइट right? ये काफी ज्यादा पावरफुल रहेगा और इसमें आप जस्ट अपना कोई भी प्रॉम्प्ट दे दो किसी भी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के लिए इंग्लिश में सिंपल इंग्लिश में प्रॉम्प्ट दे दो एंड ये आपके लिए वो सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे देगा राइट right? सो so, बहुत ज़्यादा पावरफुल सॉफ्टवेयर है ये इन दी एंड फाइनल प्रोडक्ट दे देगा कि ये आपका सॉफ्टवेयर है जो आपने प्रॉम्प्ट में मांगा था डेविन के नाम से याद रखेंगे नेक्स्ट पे आ जाते हैं पीएम सूरज ये एक नेशनल पोर्टल है लॉन्च किया गया किसके द्वारा पीएम सूरज का बेसिक एम क्या रहेगा कि जो डिसएडवांटेज सेक्शन है ना हमारी सोसाइटी के मोस्ट मार्जनालाइज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी उनको अपलिफ्ट करने की यहाँ पे बात की गई राइट उनको हेल्प करने की बात की गई कि वो अपने बिजनेसेस को ग्रो कर सकें उनको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सिखाया गया कि कैसे एंटरप्रेन्योरशिप होती है क्या क्या चीज़ों की जरूरत होती है क्या क्या स्किल्स चाहिए यहाँ पे किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो सारा यहाँ पे देखा गया करेक्ट एंड एक लाख से भी ज़्यादा बेनिफिशरीज को यहाँ पे हेल्प किया जाएगा और इसके लिए 720 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए हैं फॉर दिस पीएम सूरज नेशनल पोर्टल के अंदर जो भी हेल्प प्रोवाइड कराई जाएगी टू द मार्जिनलाइज सोसाइटी फिर यहीं पे याद रखेंगे पूछा जा रहा है लॉन्च किसके द्वारा किया गया तो हमारे पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था एंड क्या है यहाँ पे लोन्स कम इंटरेस्ट रेट पे क्रेडिट स्कीम्स प्रोवाइड कराई जाएंगी टू द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी हैदराबाद लिबरेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है कब डेजिग्नेट किया गया हैदराबाद लिबरेशन डे तो 17 सितंबर को डिजाइन किया डेजिग्नेट किया गया एज द हैदराबाद लिबरेशन डे इस दिन हैदराबाद प्रिंसली स्टेट था करेक्ट मार्क्स द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद इनटू इंडियन यूनियन इंडिया में इसको इनकॉर्पोरेट कर लिया गया था करेक्ट और निज़ाम से आजादी पाने के लिए जो ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था और हैदराबाद फिर 1948 में जब इंडिया का पार्ट बन गया था उसका नाम क्या था उस ऑपरेशन का ऑपरेशन पोलो ठीक है नेक्स्ट तो हैदराबाद लिबरेशन डे 17 सितंबर को नेक्स्ट आ जाता है किसने लॉन्च किया क्रेडिट असिस्टेंस प्रोग्राम फॉर जन औषधि केंद्रास जन औषधि केंद्रास को फाइनेंस प्रोवाइड कराने के लिए लो इंटरेस्ट लोन्स देने के लिए ये क्रेडिट असिस्टेंस प्रोग्राम लॉन्च किया गया किसके द्वारा तो ये मनसुख मांडविया जी ने लॉन्च किया मनसुख मांडविया की बात करें ये यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के एंड इसके लिए एक इवेंट हुआ था न्यू डेली में जहां पर सिडबी की मदद से यहाँ पे फाइनेंस एंड लो इंटरेस्ट लोन्स प्रोवाइड किया जाएंगे टू दीज जन औषधि केंद्रास ठीक है सिडबी की बात करें तो सिडबी से याद रखेंगे गवर्नमेंट ऑफ बिहार के साथ भी उन्होंने टाइप किया था ताकि बिहार में एक स्टार्टअप इको सिस्टम सेटअप किया जा सके सिडबी के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे शिवा सुब्रमण्यम रमन हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा लखनऊ यूपी में आने इसको कब स्टेब्लिश किया गया था सेकेंड अप्रैल 1990 में इसको करा गया नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन्होंने 200 करोड़ रुपए की अभी एक डील साइन की किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ फॉर एंटी ड्रोन सिस्टम्स। एंटी ड्रोन सिस्टम्स बनाने के लिए क्यों बनाने हैं क्योंकि मान लो कल को किसी आ... होस्टाइल ड्रोन आ जाता है हमारे एरिया में जहां हम चाहते हैं वहां ड्रोन नहीं होना चाहिए राइट तो उसको टेक डाउन करने के लिए ये एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया जाएगा एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया बिग बैन बूम सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एंड ये बिग बैंग बूम याद रखेंगे ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डिफेंस स्टार्टअप रहेगा जिसके साथ ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है राइट ये क्या है बिग बैंग बूम सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड राइट डिफेंस स्टार्टअप दो सौ करोड़ रुपए का यह कॉन्ट्रैक्ट रहेगा एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए कॉन्ट्रैक्ट रहेगा एंड एंटीड्रोन सिस्टम इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स को दिया जाएगा फॉर सर्वेलेंस एंड सिक्योरिटी पर्पजे के लिए नेक्स्ट इन दियर यह इंडिया का पहला कॉन्ट्रेक्ट लेस पेमेंट वियरेबल लॉन्च किया गया किस बैंक के द्वारा तो वियरेबल वेरे, है पेमेंट वियरिएबल है तो टच एंड टैप फीचर रहेगा ट्रांजेक्शन के लिए यहाँ पर रिंग आ जाती है आपकी राइट आपका वेरेबल आ जाता है फिर इसी में हम देखेंगे इससे पेमेंट जो आपकी बहुत इजी हो जाएगी मोबाइल स्टिकर होगा इसमें वॉच क्लैप्स होगा राइट इससे पेमेंट आप टैप एंड गो कर सकते हैं इजीली हु हैज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया तो पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के जो रिसेंटली प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं वो है देवेंद्र झजारिया राइट ये किनको रिप्लेस करेंगे इन्होंने रिप्लेस किया दीपा मलिक को टू बी द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया अगर देवेंद्र झजारिया की बात करें इनको पदमा से सम्मानित किया गया था दो में पदमा भूषण से सम्मानित किया गया था दो में नेक्स्ट तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन ने रिलीज की अ तमिल बुक जिसका टाइटल रहेगा महाकविथाई ये जो महाकविताई बुक है ये किन के द्वारा लिखी गई है तो वैराय मुथु राइट इनके द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया है महाकविथाई को ये जो बुक है ये बेसिकली बताती है अबाउट द जेनेसिस ऑफ इन्वायरमेंट यूनिवर्स प्लानट अर्थ के बारे में फाइव एलिमेंट्स के बारे में क्लाइमेट चेंज के बारे में राइट एंड उसका इम्पैक्ट जो रहता है मूविंग ऑन संस्कृत के आयाम ये बुक जनरल वी के सिंह के द्वारा अभी रिलीज की गई जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड सिविल एविएशन जनवरी में पूछा जा रहा है ये के आयाम, इस बुक को किन के द्वारा ऑथर किया गया तो मनोरमा मिश्रा के द्वारा इस बुक को यहाँ पर ऑथर किया गया है यह बुक ऑथर की गई हिंदी लैंग्वेज में एंड नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा इस बुक को यहां पे लॉन्च किया जाएगा एंड ये जो बुक है बेसिकली इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन कल्चर के बारे में बात करती है नेक्स्ट फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ डैश हैज़ पेंड हिज ऑटोबायोग्राफी टाइटल फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी विच इज़ सेट टू पब्लिश इन जनवरी 2024. तो जनरल मनोज मुकुंद नर्मा ने राइट ये वो फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जिन्होंने अपनी पेंड मतलब खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी लिखी जिसका नाम रहेगा फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिटी एंड ऑटोबायोग्राफी जिसका टाइटल है पंचायत्स फ्री फ्रॉम जेंडर बेस्ड वायलेंस स हैंडबुक फॉर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कौन है यूनियन मिनिस्टर वो है गिरिराज सिंह जो कि यूनियन मिनिस्टर है ऑफ पंचायती राज उनके द्वारा इस बुक को यहाँ पे रिलीज किया गया नेक्स्ट नेम द यूनियन मिनिस्टर हु ऑथर्ड द बुक फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत मार्च टूवर्ड फर्टिलाइजर सेल्फ एफिशिएंसी तो कौन है वो यूनियन मिनिस्टर मंसुक मांडविया जी के द्वारा इस बुक को यहां पे ऑथर किया गया और इस बुक को जगदीप धनकर जो कि वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के उनके द्वारा इस बुक को रिलीज किया गया एंड इसकी एक हिंदी वर्जन भी बुक की रिलीज की गई है नेक्स्ट है हमारा होमवर्क सेक्शन पहला यूतुरंगम वाइल्ड लाइफ यूतुरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहां पे लोकेटेड है सेकंड क्वाट्रो सिनेगेस रीजन यह भी कहां पे लोकेटेड है जहां पे वाटर क्राइसिस चल रही है इंडिया में भी कहीं पे अभी वाटर क्राइसिस चल रही है जहां पे वर्क फ्रॉम होम मैंडेटरी कर दिया है वहां के लोगों के लिए बताइये कौन सी जगह है थर्ड रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लॉन्च विच एप टू फैसिलिटेट ईजर वोटिंग फॉर पर्सन अबी फाइव ईयर्स ऑफ एज एंड एंडसन विद डिसिटी विद फोर्टी अभी हमने देखा फोर्थ व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम रिसेंटली सीन इन न्यूज एंड पांचवा रिसेंटली वेयर वाज द हंड्रेड एंड फोर्टी एट इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन मीटिंग हेल्थ तो ये पांच आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे हैं दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स आई होप यू एंजॉय द सेशन एंड यू कैन फॉलो अस ऑन द दूट्यूब चैनल एज वेल एज अपार्ट फ्रॉम चैनल यू कैन गो एंड फॉलो अस एट अफेयर्स क्लाउड Telegram channel, and if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided that is 767733862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle that is affairs cloud underscore official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support at the rate of And I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.